दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से हमारे एक और नए ब्लॉग वीडियो में। दोस्तों आप लोग हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे जिसमें मैं आप सभी को दिखाया हुआ था अपने गोपालगंज के बरौली क्षेत्र में बेलसर गांव में एक हेलीकॉप्टर बन रहा था जो कि मेड इन बिहार हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर का नाम था, जो कि हेलीकॉप्टर अमरजीत पासवान जी बना रहे थे और वो हेलीकॉप्टर अभी बन ही रहा है एक्चुअली। और दोस्तों अमरजीत पासवान जी अभी एक नई साइकिल बना रहे हैं और जो कि ना डीजल से चलेगी ना पेट्रोल से चलेगी, ये साइकिल एक्चुअली बैटरी से चल रही है। और अमरजीत पासवान जी अभी जो आप मेरे सामने जो साइकिल देख रहे हैं यही साइकिल अभी बनाए हुए हैं। तो आज की इस वीडियो पे हम अमरजीत पासवान जी से कुछ बातचीत करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। उम्मीद करूँगा कि आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले तो अमरजीत पासवान जी आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। जी नमस्कार, प्रणाम जी। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप एक छोटा सा परिचय दीजिए ताकि मेरे व्यूवर्स लोग को आपके बारे में कुछ पता चल सके। जी सब जितने मतलब व्यूअर्स है आपका जितनी भी दर्शक है जी सबको हम हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं जी। और रही बात कि अपने पिछले वीडियो में चाहे बहुत दिनों से आप लोग देखते हैं कि मैंने हेलीकॉप्टर भी एक बना रहे हैं, हेलीकॉप्टर बना रहे हैं जो इसमें कुछ पैसा के कारण से हमने काम रोके हैं जी बिल्कुल, है ना। और जो ये साइकिल है जो साइकिल मैंने बना रहा हूँ और ये पांचवा साइकिल मेरा है जी। अभी जैसा कि हमने बताया कि अभी जो साइकिल का ये बना रहे हैं और इनका ये पांचवा साइकिल है, मतलब एक्चुअली चार साइकिल अभी ये बना चुके हैं, ये पांचवा साइकिल है। और आज इस वीडियो पर हम इस साइकिल के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अमरजीत भैया ये बताइए कि इस साइकिल में क्या इस किस चीज़ से ये साइकिल आप चला रहे हैं? जी देखिए यहाँ पे ना डीजल पेट्रोल से नहीं चलेगा बिल्कुल, जैसे कि अभी पेट्रोल का महंगाई काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है तो ये बैटरी से चलता ही है जी। और जो मैंने पहला जो मॉडिफाई किया था अपने साइकिल का जी, तो बक्स काफ़ी मैंने बड़े वाला बनाया था जी बिल्कुल। उसके बाद जो वो बक्स छोटा मैंने कर दिया, लुक दे दिया उसको, बहुत अच्छा लग रहा है अब देख कर जी। तो इस बॉक्स में मतलब बैटरी है ना? जी बैटरी है ठीक। यहाँ पे एक मोटर है जी जी बिल्कुल। तो ये बताइए कि ये बैटरी वोल्ट में तो आती है ना, कितनी वोल्ट की बैटरी होगी ये? 24 वोल्ट का है, 12 एम्पियर, 24 वोल्ट, 24 वोल्ट का बैटरी है। कितने देर में चार्ज हो जाता है फुल परसेंट? चार घंटे में चार्ज हो जाता है, चार घंटे में पूरी फुल चार्ज होता है। और चलता कितना? 30 किलोमीटर चलता है, मतलब साइकिल 30 किलोमीटर चला जाएगा जी बिल्कुल। कितना का स्पीड से? ये ऑडियंस का सवाल होगा कि 40 का स्पीड है, अगर 40 से आप ज़्यादा जाएंगे तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा आपको। 40 से ज़्यादा स्पीड चलाते हैं तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा साइकिल को चलाने के लिए? जी बिल्कुल। तो मतलब कैसे पता कर सके कि मतलब ये साइकिल कितना स्पीड चल रही है, कितना चार्ज है साइकिल का, ये सब चीज़ें अगर जानना तो मतलब किस तरह यहाँ पे ये सब लगाए हुए सिस्टम थोड़ा सा दिखाइए। यहाँ पे जो है जी ये अपना चाबी है जी, जैसे मैंने इसको ऑन किया जी तो यहाँ पे अपना बैटरी शो करेगा जी बिल्कुल, कितना परसेंटेज चार्ज है, चार्ज है जी। और स्पीड देखने के लिए उसको अलग से लगाया जाता है जी, स्पीड के लिए अलग से लगाया जाता है। और यहाँ पे जो है यहाँ पे भी इसे आप बैटरी देख सकते हैं यहाँ से भी जी। और यहाँ पे लाइट है, नीचे का स्विच दिया है जी, उधर फ्रंट लाइट है आप देख सकते हैं। नाइट में चलाते वक्त अगर लाइट का भी उपयोग कर सकते हैं? हाँ नाइट के लिए जी बिल्कुल। और यहाँ पे जो है ये बॉटम है जी, हरन का, हरन के लिए है जी, हरन भी है जी, देख सकते हैं। साउंड भी काफी अच्छा लग रहा है इसका जी। तो और एक और बात है जी बिल्कुल, कि जैसे मतलब आगे ठोकर हुआ जी, हम लोग चल रहे हैं साइकिल चला रहे हैं आगे ठोकर हुआ, ब्रेक बांधे जी, तो जैसे ब्रेक बांधेंगे ये हमारा मोटर बंद हो जाएगा, ब्रेक बांधते ही ऑटोमेटिक मोटर बंद हो जाएगा जी। कोई खतरा नहीं है, ऑन करना पड़ेगा कि नहीं? नहीं 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 जी, ऑन नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ ब्रेक पे। जैसे देखिए अभी हम चला रहे हैं जी, देखिए अपना चाबी हुआ जी, चला दिया जी, यहाँ से ऑन हो गया, ऑन हो गया। और देखिए इसको उठाएंगे जी, चलो और ब्रेक बांध दिए इधर से, हाँ उधर वाला जी, देखिए बंद हो गया जी बिल्कुल, मतलब जैसे ही ब्रेक लेंगे तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। हाँ। ये तो आगे का ब्रेक, आगे का हो गया, पीछे का हो गया, पीछे का मतलब ब्रेक लेते हैं तो साइकिल ऑटोमेटिक बंद हो जा रही है। अभी मैं आप सभी को फिर से एक बार दिखा दूं, देख सकते हैं अभी ऑन है साइकिल, देख सकते हैं अभी मैं ब्रेक ले रहा हूँ ऑटोमेटिक से साइकिल बंद हो जाए, मतलब ब्रेक लेके कोई मतलब आगे ठोकर उसको टपाएं तो ऑटोमेटिक साइकिल बंद हो जाएगी जी। और कुछ खासियत हो तो बताइए भैया इसमें जी। देखिए ये भी खासियत है, और इससे अगर जो बैक लाइट हुआ जी और इंडिकेटर हुआ, इंडिकेटर भी जी जी, तो ये सब लगाने के लिए उसका अलग अलग प्राइस से अलग से लगता है वो सब, है ना। एक और है कि मतलब बाय द वे कोई साइकिल चुरा रहा है, कोई चोरी कर रहा है जी, तो आप बिंदास उसको जाने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, उसको हम आधा घंटे में वो साइकिल ढूंढ कर आपको दे देंगे। मतलब साइकिल चोरी हो जाए तो आप आधे घंटे में उसको ढूंढ कर दे देंगे जी? क्या GPS वगैरह की सिस्टम? हाँ इसी प्रकार से कुछ है हमारे पास है टेक्निकल जी, उसमें लगाएंगे, मगर वो भी जो है अलग खर्चा लगेगा उसके लिए भी, है ना। यहाँ पे मोबाइल रखने के लिए अगर आप लोकेशन देखना चाहते हैं तो वो भी सेफ्टी है अपना पास, उसको भी अलग से प्राइस
लगेगा जी बिल्कुल। तो मतलब कुछ लोग तो ये सोच रहे हैं कि मतलब एक बैटरी लगाए हैं यहाँ पे, दो बैटरी अगर ऐड कर सकते हैं कि मतलब जैसे बताइए कि 30 किलोमीटर चल रही है जी, जी। 30 अगर दो बैटरी ऐड करते हैं तो 60 किलोमीटर चल सकती है। नहीं नहीं, एक ही बैटरी हम बनाएंगे जी, ये तो 24 वोल्ट का है जी। जैसे 24 वोल्ट का बैटरी बनाए हैं तो इसमें आपको 30 किलोमीटर जाएंगे जी। जो 36 वोल्ट का हम बैटरी बनाएंगे तो 50 किलोमीटर जाएंगे। 50 मगर बैटरी इतना ही बड़ा रहेगा जी। मतलब उसे बनवाने के ऊपर आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने वोल्ट तक बनवा सकते हैं। हाँ, मतलब वोल्टेज नहीं, आपको कितना एवरेज तक जाना चाहते हैं, चल 50 जाना चाहते हैं, 70 जाना चाहते हैं किलोमीटर जी, उतना बड़ा हम बैटरी उतना उसका हिसाब से हम बनाकर आपको देंगे। ये साइकिल बनाते हैं तो वारंटी वगैरह भी देते हैं, सर्विस वगैरह देते हैं? देते हैं, एक साल का गारंटी है इसका। एक साल का गारंटी है साइकिल का, बशर्ते ये है कि इस बारिश में बैटरी के अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। तो जैसे कि तुमने इसको सेफ्टी बॉक्स सेफ्टी लगा दिए हैं, मगर किसी प्रकार का अगर बहुत सारे बच्चे लोग हैं, बहुत सारे मतलब लड़के लोग भी है कि बाइक से बारिश में नहाते हैं लोग जी, है ना, ऐसा टाइप का आदमी है, तो बारिश में सिर्फ इसको बचा कर रखना है आपको, पानी से मतलब पानी से इसको बचाना है, अंदर पानी ना जाए बस। हालांकि अपने से तो पूरा मैंने सेफ्टी दिए हैं इसके अंदर, मगर बाय दुबे अपना पानी से आप लोग की भी रक्षा करना है जी बिल्कुल। जैसे कि ये साइकिल बनाए तो कितना खर्चा लगा इस साइकिल को बनाने में? जी देखिए, टोटल मतलब साइकिल हमने देकर 21,000 रुपया हमारा आया है। साइकिल भी आप ही दिए हैं जी, पूरा सेटअप लगा के 21,000 रुपये में आपने इस साइकिल को तैयार कर दिए हैं जी बिल्कुल। तो मतलब एक साइकिल अगर कोई बनवाए तो कितना पैसा तक लगेगा ये? मतलब देखिए, ये तो मतलब हमारा 21,000 का है जी, अगर इसमें डिस ब्रेक भी है जी, डिस दोनों में डिस है, आगे पीछे दोनों डिस है, डिस का अलग से चार्ज लगता है थोड़ा सा साइकिल में। हाँ जी बिल्कुल, सकर भी है इसमें जी, तो सबका अलग अलग मतलब अलग अलग मोड 5 के साइकिल लेंगे डिजाइन का, तो अलग अलग रेट लगेगा उसका। मतलब जैसे आप मॉडिफाइड कराते हैं उस तरह से आपको पैसा देना पड़ेगा जी। कितना मतलब कितना प्राइस से स्टार्ट है, जो कम लागत में अगर कितना प्राइस से स्टार्ट है, कितना तक साइकिल बना जी? देखिए हमारा मतलब 18,500 से हमारा स्टार्टिंग है, 18,500 रुपये से स्टार्टिंग है। हाँ, साइकिल लेकर जो लेडीज साइकिल जो है छोटी वाली जी, जो लड़की लोग पढ़ने जाती है जी, वहाँ से लेकर स्टार्टिंग हमारा वहाँ तक है जी बिल्कुल। अगर जब बाय द वे साइकिल आपके पास है, चाहे पुराना है चाहे नया है जी, है ना, तो हमारा खर्च 14,000 रुपये आएगा जी, 14,000 तो बना। मतलब आपके ख्याल से नया साइकिल बेटर रहेगा कि पुराना साइकिल बेटर रहेगा? आपका आप लोग आपका मर्जी, हम दोनों में राजी है, चाहे हमसे साइकिल लीजिए चाहे खुद अपना खरीद कर दीजिए। मतलब न्यू रहता है तो थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता जी, एवरेज भी अच्छा देगा, देखने में भी अच्छा लगेगा इसे, क्योंकि अब जो पुराना हो तो थोड़ा इधर उधर ढक वगैरह हिलता उलता रहता है तो थोड़ा चलने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है जी जी। तो बताए कि आप 18,500 से स्टार्टिंग है, कितना तक? जी देखिए, 18,000 से हमारे पास 30,000 का भी साइकिल है, 25,000 का भी साइकिल है, 40,000 तक भी साइकिल है जी, अलग अलग साइकिल का रेट है जी बिल्कुल। और कुछ लोग चाहे कि साइकिल खरीद के लाए अपने मन पसंद से, उनको जो भी पसंद साइकिल हो बस आपसे उसका मॉडिफाइड कराए, तो कितना खर्चा लगेगा? जी देखिए, सब कुछ लगेगा, GPS होगा, जितना भी आपने सिस्टम बताया टोटल सिस्टम लगा कितना नहीं, अब उस टाइम में हम मालूम चलेगा कि मेरा खर्च क्या आ रहा है जी। मेरा अभी जो है हमारा इतना अच्छा, मान लीजिए इतना ही सेटअप लगाए हैं, इसी सेटअप का थोड़ा सा बताए थे प्राइस? 15,000 आया, मतलब 15,000 रुपया लगेगा। ये अलग से मैंने लगाए हैं जी, एक्सेलेटर जो स्क्रीन वाला एक्सेलेटर रहता है जी, है ना, ये अलग से हम लगाए हैं, तो 15,000 हमारा इसमें खर्चा आया बिल्कुल। जैसे आपने बताया कि बैटरी से 30 किलोमीटर जा सकते हैं, अगर 30 किलोमीटर से अधिक हमको जाना है, बैटरी अगर ऑफ हो जाती है तो हमारे पावडिल से चला सकते हैं? हाँ आसानी बिल्कुल, पावडिल से आप जा सकते हैं, पावडिल चलाकर आराम से जा सकते हैं, मतलब दोनों चीजें इसमें अवेलेबल है जी दोनों। चार्जिंग के लिए क्या व्यवस्था है, चार्ज कैसे कर देंगे इसको? ये देखिए यहाँ पे मैंने लुक दिया चार्जिंग का, थोड़ा सा मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूंगा, इस साइड से दिखाइए। देखिए ये चार्जिंग का है जी, इसको ढक्कन है जी, और इसमें है चार्जिंग। हाँ, इसमें पहले प्लग लगाना पड़ेगा जी, पहले चार्जिंग का प्लग लगाइए जी, उसके बाद बोर्ड में लगाइए जी, पहला ध्यान यही रखना है आपको, पहले इसमें लगाइए बोर्ड, इसमें बैटरी में लगाइए, उसके बाद बोर्ड में आप लगाइए। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया चार्जिंग, चार्जिंग जो है जी, चार्जिंग जो अपना है चार्जर जी, है ना, वो ऑटोमेटिक चार्ज है, ऑटोमेटिक फुल चार्ज होना, मतलब फुल चार्ज होगा तो चार्जर ऑफ हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा जी। मतलब इसमें फुल चार्ज होगा तो इसमें भी तो कुछ दिखाता होगा ना यहाँ पे? नहीं नहीं, ये तो चाबी है ना, यहाँ पे ऑन कर देंगे मगर ये पूरा फुल जल जाएगा, मतलब फुल दिखा देगा कि बैटरी फुल है, या फिर चार्जर ऑटोमेटिक है वो, जैसे ही फुल चार्ज होगा तो फिर उसका लाइट कट जाएगा चार्जर का जी। जी बिल्कुल। तो अमरजीत भैया, मेरा आपसे एक और सवाल रहेगा, चूंकि इस सवाल इस वीडियो में हम लोग हेलीकॉप्टर से रिलेटेड कुछ बात नहीं करेंगे, चूंकि हेलीकॉप्टर का काम आपने बता दिया किस कारण से रुका हुआ है, वीडियो का स्टार्टिंग में आप लोगों ने सुन लिया,
तो मेरे वीडियो के माध्यम से कोई मेरे सब्सक्राइबर व्यूवर्स आपके पास से साइकिल बनवाने के लिए आए तो क्या आप उनके लिए कुछ सहूलियत देंगे, कुछ डिस्काउंट देंगे? हाँ बिल्कुल देंगे। हम तो पहले भी बोल चुके हैं कि जो बच्चे पढ़ते हैं, जो लड़की पढ़ते हैं, अच्छा जो इंसान विकलांग आदमी है उनके लिए अपने तरफ से मेरे पर कुछ मतलब डोनेट कम करेंगे हम। जी बिल्कुल। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने सुना, अगर आप मेरे वीडियो के माध्यम से यहाँ बेलसर गाँव मजीद भाई के घर तक पहुँचते हैं तो आप लोग मेरे चैनल का नाम जरूर लीजिए। मेरे जी मतलब बात इसे कांटेक्ट करने के लिए नंबर थोड़ा सा एक बार बोल देते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो नंबर आप सभी को सबमिट कर दूंगा और एड्रेस भी आप सभी को पता होगा। जो जो लोग पहले से मजीद भाई को जानते हैं, किसी पर्चे के मोहताज नहीं है मजीद भाई, मेड इन बिहार हेलीकॉप्टर इन्हीं का है और मेड इन साइकिल का कुछ नाम वगैरह रखे हैं? हाँ, मेड इन बिहार साइकिल, जो भी मतलब हम चीज़ निकालेंगे वहाँ पे बिहार स्टेट से ही होगा जी। मेड इन बिहार साइकिल का भी नाम मेड इन बिहार है जी। अच्छा, अगला आप प्लान क्या है? साइकिल तो अभी बना रहे, आगे क्या बनाना है? जी देखिए, ये हमारा पास जानकारी था, हम सीखे हैं काम जी। तो पहले तो हम हेलीकॉप्टर के काम करते हैं जी। अब जो कुछ मतलब हेलीकॉप्टर के काम रोके हैं पैसा की वजह से, इसमें से 2 रुपया जो फायदा होगा जो अपने हेलीकॉप्टर में लगाते हैं, बिल्कुल है ना, इसी के कारण ये मुझे कदम उठाना पड़ा। नहीं तो हम बिल्कुल पैसा होता तो बिल्कुल हम अपने हेलीकॉप्टर में लगे रहते हैं। बिल्कुल। तो मतलब जैसे कि अभी साइकिल बनाए, आगे भी कुछ प्लान होगा ना कुछ और बनाने के लिए? जी हमारे यहाँ बहुत सारे चीज़ों की जरूरत है, जैसे कि अपने साइकिल बनाए तो काफ़ी अच्छा काम किया कि छोटा बच्चा भी पौड़ी ज़्यादा तेज नहीं चलाए, आराम से पढ़ने के लिए चलाए। जैसे विकलांग लोगों के लिए आप बोले कि वो लोग भी साइकिल को चला सकते हैं, तो मैं आगे भी कुछ तो फ्यूचर में कुछ और होगा है तो बहुत, मगर अभी फिलहाल मैं अपना हेलीकॉप्टर का ही ध्यान रखा हूँ। जी बिल्कुल, मतलब इसके बाद से हेलीकॉप्टर पर ही फुल फोकस रहेगा? जी जी। तो चलिए, बहुत साइकिल का भी फोकस रहेगा, अपना हेलीकॉप्टर का भी फोकस रहेगा, ये दोनों चलेगा। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा अमरजीत भैया आपसे बात कर, आपने काफ़ी अच्छा जानकारी दी हमारे व्यूअर्स लोग को। और दोस्तों मैं आप सभी से बताया कि किस तरह से आप भी अमरजीत भाई से मिलकर साइकिल बनवा सकते हैं। मैं इनका नंबर आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, आप कॉल के थ्रू भी इनसे बात कर सकते हैं और मतलब बनवाना हो तो भी आप कॉल कीजिए। ऐसे मतलब काम करते रहते हैं तो डिस्टर्ब करने से क्या फ़ायदा है, कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि डिस्टर्ब करते रहते हैं कॉल करके। बनवाना हो तो भी आप लोग कॉल कीजिए। और दोस्तों मेरा यही था आज का वीडियो, और उम्मीद करूँगा कि आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और हमारे लिए कोई सुझाव हो तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि जो ज़रूरतमंद हो उन लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। दोस्तों हम फिर मिलते हैं किसी ऐसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे इस ब्लॉग के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।